देखिए, भारत को मुकाबला जीतना होगा या जीतना चाहिए, ये ऑट टू का सेंटेंस है। उसके नीचे हैवेस टू के दो सेंटेंसेस हैं, उन्हें हम अंग्रेजी में बढ़ाते हैं। भारत को मुकाबला जीतना चाहिए, इंडिया ऑट टू विन द मैच, 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 इंडिया ऑट टू विन द मैच। देखिए, मुझे कल फिर से मैं जाना है या जाने वाला हूँ। देखिए, मुझे के लिए आई हैव टू गो टू मुंबई अगेन टुमारो। देखिए, आई हैव टू गो टू मुंबई अगेन टुमारो, आई हैव टू गो टू मुंबई अगेन टुमारो, आई हैव टू गो टू मुंबई अगेन टुमारो, आई हैव टू गो टू मुंबई अगेन टुमारो। मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, पड़ता है इस तरह से, पड़ता है आएगा। देखिए, आई हैव टू गो ऑन फुट, 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 आई हैव टू गो ऑन फुट। अभी आपको ये वीडियो पॉज करना है और इन तीनों सेंटेंसों की ओर देखते हुए इन्हें अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। इस तरह से देखिए, इंडिया ऑट टू विन द मैच, आई हैव टू गो टू मुंबई अगेन टुमारो, आई हैव टू गो ऑन फुट। इस तरह से आपकी कोशिश आपको करना है। अभी वीडियो पॉज कीजिए और इन तीनों सेंटेंसों की ओर देखते हुए इन्हें अंग्रेजी में बनाने की कोशिश कीजिए और आपकी जो कोशिश है आपके मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए और आपकी रिकॉर्डिंग फिर से सुनिए, उसमें क्या फॉल्ट है, क्या दोष है, उन्हें दूर करते हुए फिर से कोशिश कीजिए। ऐसे 4-5 बार कोशिश करने के बाद जब आप सेटिस्फाई होंगे कि मेरी जो स्पीकिंग है, मेरे जो सेंटेंस बनाने की स्पीड है वो अच्छी है, फ्लुएंटली मैं अंग्रेजी के सेंटेंस बोल पा रहा हूँ, ये जब कॉन्फिडेंस आएगा तब फिर से वीडियो प्ले कीजिए और अगला पार्ट देखिए। देखिए, भारत के लिए इंडिया, इस होगा के लिए ऑटो, जीतने के लिए विन और मुकाबला के लिए द मैच, इंडिया ऑटो विन द मैच। मुझे के लिए आए, इस हूँ के लिए हैव, वाला के लिए टू, जाने के लिए गो, इसको के लिए टू, मुंबई के लिए मुंबई, फिर से के लिए अगेन और कल के लिए टुमारो, आई हैव टू गो टू मुंबई अगेन टुमारो। मुझे के लिए आएगा हैव, है के लिए हैव, पढ़ टू, जाने के लिए गो, पैदल के लिए ऑन फुट, आई हैव टू गो ऑन फुट। इस तरह से आपकी आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है। इसके नीचे हैड टू का एक सेंटेंस है और विल हैव टू के दो सेंटेंस है, उन्हें हम अंग्रेजी में बढ़ाते हैं। देखिए, हैड टू करना पड़ा, हैड टू के लिए करना पड़ा और विल हैव टू करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना होगा, करना पड़ेगा और करना होगा, करना पड़ेगा और करना होगा, इसके लिए विल हैव टू। देखिए, हैड टू करना पड़ा, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, आई हैड टू लीव द जॉब, 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 आई हैड टू लीव द जॉब। मुझे के लिए आए, पढ़ा के लिए हैव, टू छोड़ने के लिए लीव, नौकरी के लिए द जॉब, आई हैड टू लीव द जॉब। विल हैव टू करना पड़ेगा, कुछ भी करने से पहले तुम्हें इजाज़त लेनी पड़ेगी। तुम्हें के लिए यू, विल हैव टू इजाज़त टेक माय परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। देखिए, यू विल हैव टू टेक माय परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग, यू विल हैव टू टेक माय परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग, यू विल हैव टू टेक माय परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग, यू विल हैव टू टेक माई परमिशन बिफोर डूइंग एनी थिंग, यू विल हैव टू टेक माई परमिशन बिफोर डूइंग एनी थिंग। तुम्हें लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टैंड इन द क्यू, 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 यू विल हैव टू स्टैंड इन द क्यू। अभी आपको वीडियो ये पॉज करना है और ये जो तीनों सेंटेंस है ये हिंदी की ओर आपकी नज़रें आंखें होनी चाहिए, लेकिन आपके
मुंह से आपने को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है, और आपकी जो कोशिश है आपके मोबाइल में आपको रिकॉर्ड करना है, आपकी रिकॉर्डिंग आपको सुननी है, उसमें क्या फॉल्ट है, क्या दोष है, ढूंढ निकालना है, फिर से कोशिश करनी है। इस तरह से 5-6 बार कोशिश करने के बाद फिर से वीडियो प्ले करना है और अगला पार्ट देखना है। देखिए इस तरह से, आई हैड टू लीव द जॉब, यू विल हैव टू टेक माई परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग, यू विल हैव टू स्टैंड इन क्यू इन द क्यू। इस तरह से आपको आपकी कोशिश करनी है, जब आपकी कोशिश पूरी हो जाएगी तो फिर से वीडियो प्ले करना है और अगला पार्ट देखना है। देखिए यू ऐसी एगी के लिए विल, पढ़ने के लिए हैव, इस ना के लिए टू, लेने के लिए टेक, मेरी इजाज़त के लिए माई परमिशन, पहले के लिए बिफोर, करने के लिए डूइंग, कुछ भी के लिए एनीथिंग, यू विल हैव टू टेक माई परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। तुम्हें के लिए यू, एगा के लिए विल, हैव टू खड़ा रहने के लिए स्टैंड, मेक के लिए इन, और लाइन के लिए द क्यू, यू विल हैव टू स्टैंड इन द क्यू। हमारी जो किताब है स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश, इस किताब ये 448 पन्नों वाली किताब है, स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। ये 448 पन्ने वाली किताब के हर एक पन्ने को हम वीडियो में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वीडियो फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमारे वीडियोस देखते रहे। आपके जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, जो अंग्रेजी बोलने में परिपूर्ण बनना चाहते हैं, उन्हें भी जानकारी दे कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वे भी हमारे वीडियोस देखते रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।